मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं, आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं, और मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ, पहले मैं उनसे यूं करता हूँ, हाथ ऐसे रखते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूँ। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अम्बेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो ये है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। मैं कुछ और कहने जा रहा था, आपने डाइवर्ट कर दिया। ये जो आपने किया, देखिए देखिए भैया, उनसे बात कर रहा हूं, पुलिस जी, जो आपने अभी ये किया ना, इसने मेरे दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। मैं पहले कुछ और कहने जा रहा था, आप दूसरे रास्ते से निकलेंगे। यात्रा अब 100 दिन से चल रही है, केरला, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान। रास्ते पे कभी कभी, जैसे मैंने यहां बोला प्रेस के हमारे मित्रों, मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं, आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं। मैं निकलता हूं, वो ऐसे खड़े रहते हैं, और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं, राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से एक दो यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो, उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है? मेरे दिमाग में था थोड़ी देर के लिए, मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और जवाब मिल गया, उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं, क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है, ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी। हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। अंत में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, बीजेपी के नेता हैं, जहां भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, बंगाली होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, मगर अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। कभी आप एक काम कीजिए,
ये जो नेता कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, भैया आप ये बात तो अच्छी कर रहे हो मगर आपका बेटा कौन से स्कूल में जाता है? क्या इंग्लिश मीडियम में जाता है, हां या ना? हां, इनके सारे के सारे बच्चे अमित शाह जी से लेकर इनके सब चीफ मिनिस्टर के बच्चे, सब एमपी के बच्चे, सब एमएलए के बच्चे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि भैया अंग्रेजी किसी को बोलनी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अंग्रेजी सीखे। इसका कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बड़े सपने ना देखो, आप खेत में से मत ना निकलो, आप मजदूरी से बाहर ना निकलो, इसीलिए ये आपसे कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, तमिल पढ़नी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, मराठी पढ़नी चाहिए, सब हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए, मगर अगर आप बाकी दुनिया से बात करना चाहते हो, चाहे वो अमेरिका के लोग हों, जापान के लोग हों, इंग्लैंड के लोग हों, तो वहां हिंदी काम नहीं आएगी, वहां अंग्रेजी ही काम आएगी। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब से गरीब किसान का बेटा एक दिन जाकर अमेरिका के युवाओं से कंपटीशन करे और उसी की भाषा में उसे हराए।